अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनेलो पार्टी से करने वाले और पार्टी के कैडर के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अशोक अरोड़ा ने आज भारी मन से इनेलो पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इनेलो छोड़ने की घोषणा करने से पहले अशोक अरोड़ा ने आंखों में आंसू लेकर जब मंच से घोषणा की कि वह इनेलो छोड़ रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। अशोक अरोड़ा ने कहा, जो इज्जत मान सम्मान उनको इनेलो पार्टी में मिला उसकी कीमत वह चुका ही नहीं सकते और यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन है, पर जो हालात चल रहे हैं उसके चलते उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। बहरहाल कुछ कार्यकर्ता भी उस समय भावुक नजर आए और भीड़ में हर शख्स अशोक अरोड़ा के मुंह से यह सुनना चाहता था कि वह किस पार्टी में जाएंगे। अब तक इनेलो को लगातार झटके लगते आ रहे हैं, पर यह झटका इनेलो को हरियाणा में व्रत में उतार देगा, क्योंकि अशोक अरोड़ा वह नेता है जिन्होंने इनेलो पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और इस बात को उन्होंने माना भी कि जो प्यार इनेलो में मिला वह ओम प्रकाश चौटाला ने सगे बेटे और पोतों को भी नहीं दिया। और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अशोक अरोड़ा के साथ कौन कौन से बड़े चेहरे इनेलो को छोड़ेंगे। कि मेरी नई पार्टी शुरू होने जा रही है, मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल से अपना इस्तीफा के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से आ जाते हैं। मैं जाऊंगा अमर चौधरी साहब एक बार फिर कुरुक्षेत्र की जनता के लिए आपके मुझे आशीर्वाद के कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र की जनता ऐसा सत्कार इन लोगों से चाहती है जिन लोगों ने यहाँ से लूट के खाया है। तो मैं यार अशोक अरोड़ा ने इनेलो से रिजाइन दे दिया, ब्रेकिंग फ्लैश कर लो। आपका भाई आपका बच्चा यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसा है कि जिस घर में अपने घर से ज्यादा सम्मान मिला, जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने दोनों बच्चों से ज्यादा प्यार अशोक अरोड़ा को दिया है, और जिस पार्टी को चौधरी देवलाल ने पौधा लगाया और हम सब ने सारे कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा हो, मुझे नहीं पता लोग कई कई बार पार्टियां कैसे बदल लेते हैं, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ अनेसर हल्के की जनता के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल दी उनकी, उस पौधे को जिसने हमें सींचा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल दी, उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिसने हमें प्यार से भी बच्चों से ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं मान सकता हूँ कि आज अगर वो जेल काट रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की वजह से काट रहे हैं, जिनकी वजह से आज धनेश्वर जनपद के 1000 से ऊपर बच्चों को रोजगार मिला। आज भी धनेश्वर के बहुत बस्ती डबे बच्चे ऐसे हैं जो एसडीओ से एक्शन पाए हैं, जो डीटीसी लगे, प्रिंसिपल लगे, डीओ लगे, ये सब उनके समय में यहाँ रोजगार मिला। परंतु क्योंकि आज परिस्थितियाँ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ देश और प्रदेश में बदलती है, कर रहा, कर रहा। आज देश की राजनीति जो है वो केवल और केवल राष्ट्रीय पार्टियों की ओर बढ़ रही और लोगों के लिए कुरुक्षेत्र के विकास के लिए मैंने आज अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दिया है और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है, उनसे अनुरोध किया कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो 30 साल 35 साल के राजनीतिक कैरियर पर कुरुक्षेत्र की जनता का और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं का साथियों का, कि जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में 15 साल विपक्ष में रहने के बावजूद जिस मैंने कार्यकर्ता से फोन किया कि आप मीटिंग में आना, उस कार्यकर्ता का जवाब था आप कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ हैं, और उन लोगों की वजह से आज एक नई पारी खेलने जा रहा हूं जहां मैं आपका सहयोग मांगता हूं, जहां मैंने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी भी मांग के आऊंगा, उनका आशीर्वाद
तो ज्वाइन कहाँ करेंगे, क्या पार्टी में? क्या संकेत? देखिए, बहुत बड़ा फैसला कार्यकर्ताओं ने मुझ पे छोड़ा है और नई पारी शुरुआत करते समय मेरे से ये तो है नहीं कि कभी मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहूं, कभी मैं चंद्रमोहन जी को बुला लूं, कभी मैं हुड्डा साहब के साथ चला जाऊं, कभी मैं डॉक्टर राम प्रकाश के साथ चला जाऊं, कभी कांग्रेस में चला जाऊं, कभी बीजेपी में चला जाऊं। मैंने तो 40 साल एक पार्टी में गुजारे हैं और अगली जो पारी होगी मैं चाहूंगा कि मेरे जीवन के अंत तक उसी पार्टी में रहे, ये फैसला मैं सोच रहा हूं। ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर और ऐसी तमाम चर्चाएं हैं कि आप कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। मैंने आपसे एक बार अशोक जी पहले भी कही थी कि मेरा जो फैसला होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। मेरे ऊपर आज मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा बोझ डाला है, मैं ये कल्ला फैसला नहीं, उन्होंने तो डाल दिया अपने वरिष्ठ साथियों से, मैंने सरल की जनता से पूछ के ये मैं फैसला लूंगा। अभी तक जो चर्चाएं कि किससे बात हुई, किसी से बात नहीं हुई, मेरी किसी से कोई बात नहीं। आपके साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने भी आज इनेलो को अलविदा कह दिया है, नहीं लगता इतना प्यार था आपके साथ, जो मान सम्मान था पार्टी के साथ? मैं उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने साथियों ने, मेरे दोस्तों मित्रों ने मेरे साथ चले।